गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस द आंसर्स ऑफ रिवीजन 4 सॉल्वेट. सॉल्वेट जैसा कि आप जानते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो आपको मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलग अलग भी करवाया है और सॉल्वेट की तरीके से भी कराया है, तो आप इसे कर चुके होंगे. चलिए आज अपने आंसर्स को फिर से चेक कीजिए. चलिए लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन. कौन सा साइन बना हुआ है प्लस का, यानी हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है. कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर. राइट साइड से पढ़ेंगे, 1s, 10s and 100. पहले कौन सा नंबर ऐड करते हैं, 1s का नंबर ऐड करते हैं. डिजिट को पढ़ लीजिए, 456 प्लस 364. 1s का नंबर 6 plus 4, 10. कैरी आ गया, 1s अपना कैरी दे देगा 10s को. 1 plus 5, 6, 6 plus 6, 12. अगेन कैरी आ गया, तो 10s अपना कैरी दे देगा 100 को. 1 plus 4, 5, 5 plus 3, 8. स्टेप वाइज करना है, पहले फर्स्ट नंबर के साथ सेकंड नंबर, अगर कैरी आ जाए तो कैरी वाले नंबर के साथ फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर. आंसर आया 820. नेक्स्ट, ये भी एडिशन का सम है, 3 लाइंस में है, 2 डिजिट का नंबर, 1s and 10s. 1s के नंबर पर है 4, 6 and 8. पहले हम करेंगे 4 plus 6, 4 plus 6, 10, 10 plus 8, 18. कैरी 1, देन 1 plus 6, 7, 7 plus 3, 10, 10 plus 2, 12. मेरा आंसर आया 128. एक बार आंसर करने के बाद एक बार उसे दोबारा चेक ज़रूर किया कीजिए, ताकि अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो वो राइट हो जाए. ओके, नेक्स्ट माइनस का साइन है, 3 डिजिट का नंबर है, 1s, 10s and 100. ऊपर में है 760, नीचे है -238. 1s का नंबर ऊपर 0, नीचे 8. 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है, तो हम नीचे से थोड़े माइनस कर लेंगे, किस 8 में से 0 करके 8 लिख दें. हम क्या करेंगे, 1s क्या करेगा, 10 से 1 बोरो मांगेगा. तो जब 10 से 1 मांगेगा तो 10s पर है 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 0, 10. 10 में से 8 तो जा सकता है, कितना आएगा, 2, 5, 5 minus 3 पॉसिबल है, बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है. तो 5 minus 3, 2, 7 minus 2, 5, 522. बोरो कब लेते हैं, जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है और नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, यानी माइनस नहीं हो सकता. अगर मैं कहूँ 2 में से 4 माइनस करो तो नहीं पॉसिबल है. तो अगर 1s के पास है तो 10s से बोरो लेंगे, अगर 10s के पास है तो 100 से बोरो लेंगे. लेकिन अगर मैं कहूँ 4 minus 2 तो पॉसिबल है, तो हम बोरो नहीं लेंगे. नेक्स्ट, 834 minus 253. 1s में ऊपर 4, नीचे 3, बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है. मैंने बोला 4 माइनस करना है 3, तो मैं कर सकती हूँ, 4 minus 3, 1. नहीं ज़रूरत होगी तो बोरो नहीं लेंगे. 3 minus 5 नॉट पॉसिबल, नीचे से नहीं करेंगे. तो अब 10s मांगेगा 100 से, 100 पर 8, 8 हो जाएगा 7, 3 हो जाएगा 1, 3, 13, 13 minus 5 पॉसिबल है 8, 7 minus 2, 5. आंसर इज 581. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई 35 into 6. नीचे के नंबर का टेबल पढ़ना है, पहले 1s के लिए, फिर 10s, अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो 100 के लिए. तो 6 का टेबल पहले 5 बार पढ़िए, 6 5 ज़ा 30. टेबल अगर लर्न नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाएगा, ये मैं बार बार बताती हूँ. 6 5 ज़ा 30. कैरी 3, 0 यहाँ आया, 6 3 ज़ा 18, 18 plus 3, 19, 20, 21. आंसर इज 210. 6 5 ज़ा 30, 30 का 0, 3 कैरी. 6 3 ज़ा 18 प्लस 3, 19, 20, 21. एक बार रीचेक और किया कीजिए.
74 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 का टेबल पहले 4 बार, 7 4 जा 28 का 8 2 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 2 51 518। अब 3 का मल्टीप्लाई 604 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का टेबल पहले 4 बार, 3 4 जा 12 कैरी 1, 1 सपना कैरी देगा 10 को, 3 मल्टीप्लाई 0। कई बार बता चुकी हूँ, जब भी हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है। तो 3 0 0 हो गया, लेकिन मेरे पास कैरी 1 है, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। एंड 3 6 जा 18, नेक्स्ट 315 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 का टेबल पहले 5 बार, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी। जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, जैसे 8 1 जा 8 प्लस 4 12 कैरी 1 आ गया, 10 सपना कैरी 100 को, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 2520। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन में हम पहले वंस का नंबर, फिर टेंस का नंबर, फिर हंड्रेड का नंबर। मैंने डिवीज़न में आपको बताया हम जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, यानी पहले टू डिजिट का नंबर है तो पहले टेंस का नंबर, फिर वंस का नंबर, आगे जब बड़ी क्लास में आप थ्री डिजिट का नंबर पढ़ेंगे तो फिर हंड्रेड का नंबर, फिर टेंस, फिर वंस। अभी यहाँ टू डिजिट का ही नंबर है तो पहले टेंस का नंबर, फिर वंस का नंबर। इस नंबर से जो बाहर होता है, इससे इसका टेबल पढ़ना होता है और अंदर वाले नंबर को कट करना होता है। तो यहाँ 4, टेंस का नंबर 2 छोटा है तो हम दोनों डिजिट ले लेंगे 2024 का टेबल पढ़ेंगे। 4 के टेबल में 20 आता है, पढ़ के देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 आ गया, यानी 20 में से 20 माइनस हो गया। आप चाहो तो 0 0 लिख दो और आप चाहो तो ऐसे कट भी कर दो, दोनों ही राइट है। देन 2 से डिवाइड करना है 6868 को, पहले 6 को देखेंगे तो 2 से 6 बड़ा है तो हम सिंगल डिजिट लेंगे। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया, 2 3 जा 6 माइनस हो गया, ऊपर से हमारे पास है 8। देखते हैं 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 वो भी आ गया। नेक्स्ट 7 से करना है 91 को, पहले 9, 7 से बड़ा है, 7 का टेबल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 के टेबल में तो 9 आता ही नहीं, 7 1 जा 7 दूसरा नंबर आ गया, 7 2 जा 14, 14 9 से बड़ा है। इस कंडीशन में जो छोटा नंबर होता है वो हम पहले लगाते हैं, बोल सकते हैं 7 1 जा 7, 9 में से 14 तो माइनस नहीं होगा लेकिन 9 में से 7 माइनस हो जाएगा, आएगा 2। हमारे पास ऊपर एक डिजिट है 1, जिसे मैंने उतार लिया, 2 1 21, क्योंकि 2 छोटा था 7 से, 1 उतार देने से वो बड़ा हो गया, 2 1 21, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। थ्री से 54 को, 5 3 से बड़ा है, सिंगल डिजिट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 5 से बड़ा हो गया, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, पर से 4, 2 4 24, 3 के टेबल में 24, 8 बार में 3 8 जा 24 के। सॉल्व इट, तो मैंने आपको एग्जांपल के रूप में सम दिए, एग्जाम क्वेश्चन में दिए, इसके अलावा भी आप बहुत सारे सम्स खुद से लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, इसके साथ नेक्स्ट रिवीजन जाएगा। थैंक यू।